Hear it. Okay. So, when you talk about sifat, they are of Allah's characteristics. They are not divisible. You cannot take the hand away from the face. They are all a part of Allah. Okay. Part? Yes. You have just heard the statement of claim of this Sheikh utman ibn Farooq talking about the parts of Allah face, hands but they are not like. Humans, he's talking about that, and they cannot be separated. So, at, in his statement itself, there is a contradiction. If there are parts, face, hands, and he is calling them parts, he cannot then describe them as characteristics or attributes because he called them parts. And when Allah has parts, and those are body parts, but not like human, then there is a contradiction because Allah Himself in Quran nineteen seventeen is talking about that He, His Spirit, is taking a form of man, taking a form of human. He's talking about his spirit, and whenever we talk about our spirit, that means we are talking about ourselves. For example, Sheikh Utman ibn Farooq, if he may says that his spirit is entering into the room of his wife, that means he himself is entering in the room of his wife. Nobody else, no one else is entering in the room of his wife. He himself is entering. When we talk about our soul, my soul, our spirit, my spirit, that means. We are talking about ourselves, so in the same way, when Allah is talking about His Spirit is becoming man, a perfect man, according to Quran 1917, that means Allah Himself is taking a form of man, is taking a form of human. So there is a great contradiction this Mullah. Sheikh Uthman ibn Farooq accepted that Allah has parts and then he tried to cover it up while saying that those body parts are not like human body parts. So there is a great contradiction, and, and Muslims they need to solve this contradiction, otherwise, they need to accept that. God can take a form of human. And when they are going to accept that, they need to come to the Lord Jesus Christ. Ji <fans> 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 जिसने ये दावा किया है कि अल्लाह के बॉडी पार्ट्स हैं हिस्से हैं जैसे चेहरा है मुंह है हाथ हैं लेकिन आप उनको अलग नहीं कर सकते उनके हिस्से नहीं कर सकते अल्लाह के पार्ट्स हैं लेकिन उनको आप अलग नहीं कर सकते और इसने कोशिश की है ये बयान दे के अल्लाह के पार्ट्स अल्ला हैं उसको फिर इसने कवर अप करने की कोशिश की है कि वो हाथ इंसानों जैसे नहीं है वो मुंह इंसानों जैसा नहीं है लेकिन साथ ही ये भी कह दिया है कि वो पार्ट्स हैं पार्ट्स क्या होते हैं हिस्से क्या होते हैं और फिर इसने उसको कोशिश की है डिस्क्राइब करने की जैसे ये कोई सिफात होती हैं जब आपने पार्ट्स कह दिया कि अल्लाह का चेहरा है हाथ है तो उसके बाद आप उनको फ़ात नहीं कह सकते करेक्टरिस्टिक्स नहीं कह सकते आपने तस्लिम कर लिया कि वो उन, उनका कोई जिस्मानी वजूद है तो ये तजाद है बहुत बड़ा इख्लाफ पैदा कर दिया है ये बयान दे के शेख उत्मान इबन फारूक़ ने अल्लाह के हिस्से हैं पार्ट्स हैं लेकिन वो अलग नहीं हो सकते जब पार्स एक्सेप्ट कर लिया अल्लाह के हिस्से हैं एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब अल्लाह का जिसमानी वजूद फिर आप उससे इनकार नहीं कर सकते उसके साथ या तो फिर इस इख्तलाफ को कुरान बड़ा वाजे कर देता है कुरान उन्नीस सौ सतारह में कुरान चैप्टर नाइनटीन वर्स सेवनटीन में जहां पे अल्लाह अपनी रूह का जिक्र कर रहा है इसको मैं आपको उर्दू में दिखाता हूं ज़्यादा बेहतर है उर्दू की ट्रांसलेशन भी है इसमें अल्लाह अपनी रूह का जिक्र कर रहा है ब्रैकेट में इन्होंने जब्रायल डाला है जो झूठ है ज़्यादती है अल्लाह के कुरान को ये उसकी धज्जियाँ बिखेर रहे हैं बीच में जबराइल लिख के अल्लाह अपनी रूह की बात कर रहा है कि वो मर्द बना है पूरा आदमी बना है अरबी में भी रूह का लफज है किसी फरिश्ते का लफज नहीं है तो जब अल्लाह अपनी बात कर रहा है अपनी रूह की बात कर रहा है तो मेरा आपसे सवाल है आप जितने भी अपने बारे में जब कहते हैं मेरी रूह, मेरी जान हमारी रूह हमारी जान तो वो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अगर यहां पे अल्लाह कह रहा है कि मेरी रूह अपनी रूह हमारी रूह तो इसका मतलब अल्लाह अपने बारे में बात कर रहा है यानी अल्लाह खुद मर्द बन रहा है अल्लाह खुद इंसान बन रहा है अल्लाह खुद आदमी बन रहा है तो ये इख्तलाफ और कंट्राडिक्शन बन जाती है शेख उत्मान के बयान के साथ कि अल्लाह के, अल्ला के पार्ट्स तो हैं लेकिन वो सिर्फ सफ़ाती हैं जिस्मानी नहीं है जबकि अल्लाह कुरान उन्नीस सतारा के मुताबिक ख़ुद मर्द बन के आ रहा है शेख उत्मान को समझाने के लिए अगर शेख उत्मान ये कहे कि मेरी जान या मेरी रू मेरी बीवी के कमरे में यानी शेख हतमान इब्ने फारूक कहे कि वो उसकी रू उसकी बीवी के कमरे में दाखिल हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और उसकी बीवी के कमरे में दाखिल हो गया वो अपनी ही बात कर रहा है कि वो ख़ुद उस कमरे में दाखिल हुआ ये मिसाल उसके मिजाज के मुताबिक मैंने उसको दी है क्योंकि इस मिसाल को फिर वो बड़े अच्छे तरीके से समझेगा तो ये इख्तलाफ है बहुत बड़ा इख्तलाफ है इस इख्तलाफ को इस्लाम हल नहीं कर सकता हाँ एक सूरत है या तो फिर यह तस्लीम कर लें या तो फिर ये तस्लीम कर लें कि अल्लाह अगर इंसान भी नहीं है और उसके बॉडी पार्ट्स भी हैं तो ये इकरार कर लें कि अल्लाह जो है वो बुद्ध है और उसके बॉडी पार्ट्स अलग नहीं हो सकते तो इसका मतलब है बड़ी अच्छी ग्लू एल्फी और समद बॉन्ड के साथ अल्लाह के बॉडी पार्ट्स को जोड़ा गया है तो या तो फिर ये तस्लीम कर लें अल्लाह बुद्ध है या इनके पास एक हल है और वो हल ये है कि ये सच्चे और ज़िंदा खुदा पर ईमान ले आए और उसके इंसानी हूर खुदांद मसीह पर ईमान ले आए और निजात पाए उससे इनकार ना करें उसके लिए खुदावंद आपको बरकत दे आमीन